हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपको जियो के नए लॉन्च हुए APNs के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, APN एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक्सेस पॉइंट नेम्स इस फुल फॉर्म से जानते हैं। तो आज मैं आपको नए 3 APNs के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही स्पीड इंक्रीज कर देते हैं आपके फ़ोन का, जिससे आपका स्पीड डबल तो हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये APN सिस्टम जो है ये लोकेशन बेस्ड सिस्टम है, जिससे जो सारे APNs आपके लोकेशन में काम नहीं होंगे। क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने भी बहुत सारे APNs ट्राई किए हैं और सारे APNs मेरे फ़ोन में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहला APN आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने सेव किया है JIO1 के नाम से। आप कोई भी नाम दीजिए या फिर मेरा भी कॉपी कर सकते हैं, कुछ नहीं। उसके बाद आपको APN में जाके आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट लिखना है, डी कैपिटल होना चाहिए इसमें, आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉक्सी नॉट सेट पे रखना है, पोर्ट 80 करना है आपको इसमें, यूज़र नेम नॉट सेट, पासकोड नॉट सेट, सर्वर में आपको जाके www.google.com डाल देना है। उसके बाद आपको इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें IPv4 और IPv4 में देख सकते हैं यहाँ पे APN प्रोटोकॉल एंड APN रोमिंग प्रोटोकॉल, दोनों में आपको सेम ही रख देना है IPv4। उसके बाद बैरियर को आपको सिर्फ अनस्पेसिफाइड पे रखना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और MVNO में आपको SPN पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नॉन पे होगा। तो चलिए दोस्तों, और उसके बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है, आपका APN चालू हो जाएगा। अगर ये APN वर्किंग नहीं है तो आप सिंपली JIO2 के APN को ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, नेम कुछ भी डाल दीजिए आप, और जियो नेट के APN को आपको जियो नेट के नाम से सेव करना है, सारे स्मॉल होंगे। उसके बाद आपको सर्वर में जाके www.jio.com, गाइस ये सर्वर ग्लोबल का है, ग्लोबल सिस्टम के लिए बनाए हैं, इसका स्पीड बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा जो है वही रखा हूँ। APN प्रोटोकॉल है IPv4, रोमिंग प्रोटोकॉल IPv4 पहले जैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ आपको बैरियर में आपको LTE पे क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको MVN में SPN का सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपको सिर्फ सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये भी प्रोटोकॉल आपको बहुत अच्छा मिलेगा और APN आपको बहुत ही अच्छा स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो आप दोस्तों इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर कमेंट में हमें बताइए कि आपका स्पीड बढ़ गया है या नहीं। दोस्तों, सारे APN आपके एरिया के लिए नहीं होंगे, तो मैं ये पहले भी बता देता हूँ आपको। अभी मैं आपको एक और एक APN दिखा देता हूँ, ये देखिए JIO3 के नाम से मैंने सेव किया है उसको। 4G आपको APN में आपको जियो इंटरनेट डाल देना है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको यूजर नेम में आपको 4G सर्विस, 4G आपका कैपिटल होना चाहिए, जी आपका कैपिटल होना चाहिए 4G में आपका, और सर्विस लिखना है। उसके बाद मेरा आपका सर्वर जो है यहाँ पे मैंने चेंज करके देखा था, आपको JIOFiber डाल देना है इसमें। ये नई टेक्नोलॉजी जियो ने लॉन्च की हुई है, तो आपको इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपका जो है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ APN प्रोटोकॉल में आपको IPv4 और IPv6 में क्लिक करना है, इसमें भी वही करना है। उसके बाद आपका सेव हो जाएगा, इसमें आपको नॉन में करेंगे या फिर SPN में रखेंगे, वो आपको चेंज करके देखना है आपके लिए एरिया के लिए कौन सा सूटेबल है। तो ऐसा आपका स्पीड बहुत ही बच जाएगा दोस्तों।
अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको नाइट में 8 बज चुके हैं और जियो का स्पीड यहाँ इस वक्त तो बहुत ही लो होता है, इसलिए मैं आपको स्पीड टेस्ट करके तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन अब देख सकते हैं फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो करंट APN है उसका क्या हाल है। यहाँ पे दोस्तों कुछ स्पीड नहीं मिलती ज़्यादा, लेकिन मेरा कनेक्ट हो रहा है तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी भी 8 बज चुके हैं और इतने नाइट में भी ऐसा स्पीड मिल रहा है मुझे, देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको दोनों स्पीड ज़्यादा चाहिए होते हैं, अगर आपका अपलोड स्पीड बहुत ही कम है और डाउनलोड स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता, आपको यहाँ पे दोनों स्पीड अच्छे चाहिए। अपलोडिंग स्पीड कमी होती है लेकिन यहाँ पे अच्छी मिल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ नेटवर्क नहीं आ रहा लेकिन इससे आपका ज़रूर नेटवर्क बढ़ेगा। चलिए दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर मिलेंगे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के साथ, कोई नए APNs आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो मेरा कैमरा थोड़ा फोकसिंग में प्रॉब्लम दे रहा है तो चलिए कुछ नहीं, आप इन APNs को ज़रूर ट्राई कीजिए और कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। स्पीड टेस्ट में बहुत ही अच्छा दिखा था पहली बार में, लेकिन अभी थोड़ा स्टक हो गया, तो देख सकते इतना स्पीड मुझे मिल रहा है, फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी अच्छा स्पीड दे देता है गाइस, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोस के साथ, कोई नया APN लॉन्च होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट में लिख दीजिए।